हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं थोड़ा थोड़े अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई एग्जाम स्टडी ते। जिमें कि तुसी जानते हो कि आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। अपना अज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अज आप इस वीडियो दे विच सिंधु घाटी की सभ्यता नाल जुड़े बहुत ही इंपोर्टेंट MCQ देखने वाले हाँ, जो कि थोड़े किसी भी कंपटीटिव एग्जाम लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब तो प्राचीन सभ्यता केड़ी मनी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट, सब तो प्राचीन सभ्यता मनी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब तो पहली शहरी सभ्यता केड़ी सभ्यता है? ऑप्शन सेकंड, सब तो पहली जिहड़ी शहरी सभ्यता है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर बहुत सारे विद्वान हड़प्पा सभ्यता तो भी पुरानी सभ्यता केड़ी सभ्यता मानते हैं? आप देखते हैं कि सब तो पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मनिया जाता है, पर बहुत सारे विद्वान अजे हैं जो कि किसी होर सभ्यता पुरानी सभ्यता मानते हैं, वह केड़ी सभ्यता है? ऑप्शन थर्ड, बहुत सारे विद्वान अजे हुए हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता सब तो पुरानी सभ्यता मनन तो मना किया है। उन्होंने मैसोपोटामिया की सभ्यता सब तो पुरानी सभ्यता दसिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सब तो वध विकसित सभ्यता केड़ी सभ्यता मनी जाती है? ऑप्शन फोर्थ, सब तो वध विकसित सभ्यता मनी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिंधु घाटी सभ्यता होर किहड़े नामां नाल जाणिया जाता है? ऑप्शन फाइव, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, पहली शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता पहली शहरी क्रांति भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कांसा युग की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी के रहन वाले लोग इस सभ्यता के लोग कांसे का यूज़ करना सीख गए सन, इस करके सिंधु घाटी सभ्यता कांसा युग की सभ्यता भी कहा जा लग पिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हड़प्पा सभ्यता के स्रोत केड़े केड़े हैं? ऑप्शन थर्ड, हड़प्पा सभ्यता के स्रोत जिन्हों तो सानू हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है वह है खुदाई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर सैवंथ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई विच की कुछ प्राप्त होया है? ऑप्शन फोर्थ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते सानू प्राप्त हुई ईटा मोर बर्तन अते मनके। क्वेश्चन नंबर एट्थ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई समय प्राप्त चीज़ों में सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण की है? ऑप्शन फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की गई उस विचों मिलिया जिन्हें भी चीज़ा उन्होंने सब तो महत्वपूर्ण चीज़ है मोहर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मोहर उपर की लिखा गया है? ऑप्शन सैकेंड, मोहरों के उपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वह अजे तक पढ़ने विच कोई भी कामयाब नहीं होया है, इसलिए मोहर उपर की लिखा है किसी को नहीं पता क्योंकि वह अजे तक पढ़िया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, हड़प्पा सभ्यता दी मोहर पर लिखा हुआ ना पढ़े जाने कारण इस सभ्यता की कहा जाने लग गया सी? ऑप्शन थर्ड, हड़प्पा सभ्यता की खोज तो जो भी आपू मोहर मिली हैं उन्होंने उपर कुछ ना कुछ अंकित है, कुछ ना कुछ लिखा होया है जो कि हजे तक नहीं पढ़िया जा सकया, जिस करके इसनों अर्ध इतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किहो जी सी? ऑप्शन फोर्थ, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि सी वह चित्रात्मक लिपि सी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, चित्रात्मक लिपि तो की भाव है? ऑप्शन फर्स्ट, चित्रात्मक लिपि है संकेतों की वरतों, आप साइंस नू यूज़ करके एक दूसरे अगे अपने मन के हाव भाव अपने मन दलों प्रगट करते सन। क्वेश्चन नंबर थर्टीनथ, हड़प्पा सभ्यता विच कुल किन्ने संकेत वरते गए सन? ऑप्शन सैकेंड, हड़प्पा सभ्यता के 400 तो लेके 600 तक के साइन संकेत यूज़ किए गए सन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ, हड़प्पा सभ्यता विच वरते गए संकेतों विचों मूल संकेत किन्ने हैं? ऑप्शन थर्ड, हड़प्पा सभ्यता के वरते गए जिन्हें भी संकेत हैं उन्होंने जो मूल संकेत हैं वह हैं 64। हड़प्पा सभ्यता के जो मूल चित्र हैं वह किहड़े आकार के हैं?
ऑप्शन थर्ड हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के जो चित्र मिले उन्होंने जो मूल चित्र उन्होंने आकार या तो यू आकार का है या फिर फिश मछली के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने की कोशिश सब तो पहला किसने की सी ऑप्शन फोर्थ हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने की कोशिश सब तो पहला एले वैडल ने की सी जो कि कामयाब नहीं होया सी अते हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ सकया सी। क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबूत सब तो पहला कदों मिलिया सी ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबूत सब तो पहला 1853 दे विच मिलिया सी। क्वेश्चन नंबर 18 जिस समय हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबूत मिलिया उस समय भारत विच की काम चल रहा सी ऑप्शन सैकिंड जिस समय हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबूत मिलिया उस समय भारत दे विच रेलवे लाइना विछ रही सन रेलवे लाइना का जल विछाया जा रहा सी। क्वेश्चन नंबर 19 हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो असी कदों जानू हुए हाँ ऑप्शन थर्ड हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो असी 1923 दे जानू हुए हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहर मिली सी उसते किन्ने चित्र बने हुए सन ऑप्शन फोर्थ सिंधु घाटी की सभ्यता दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी मोहर मिली है उस विच कुल 17 चित्र बने हुए सन। क्वेश्चन नंबर 21 हड़प्पा सभ्यता दीयां मोहरां सब तो वध किथे मिलियां हन ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता दीयां सब तो ज़्यादा मिलन वालियां मोहरां मोहनजोदड़ो दे विच मिलियां हन। क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता दीयां सब तो वध पढ़ियां जाण वालियां मोहरां किथों प्राप्त होईयां हन ऑप्शन सैकिंड हड़प्पा सभ्यता दीयां सब तो वध मोहरां मिलियां ने मोहनजोदड़ो दे विच पर जो मोहरां पढ़ियां गईयां हन उह जिहड़ियां मोहरां ने ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚਕੋਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ੇਲਖਿੜੀ ਪਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਜੋ ਲਿਪੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਪੀ ਹੈ ਬਰੂਸਟੋਫੋਡਲ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੋਪੋਟੋਮੀਆ ਮਿਸਰ ਚੀਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਮੈਸੋਪੋਟੋਮੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਮੈਸੋਪੋਟੋਮੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦਜਲਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟੋਮੀਆ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 29 ਮਿਸਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਮਿਸਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਨੀਲ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਹਵਾਗੋ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾਗੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ MCQ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।